है, आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखना। देखो बे, ये रियर वाला जो मेरे बैक वाला जो ट्रैप का जो स्ट्रेच एंड स्क्वीज के जो ट्रैप्स होंगे, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा, ते हुए देख रहा है मेरी वीडियो, मेरी ब्रीदिंग 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 एंड ब्रीद आउट, स्ट्रेच हो और लोड आए। आज 1 2 नीचे, उसमें 4 स्टेप है, धीरे धीरे यहाँ पे। हाय, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग गाइस। आज आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ, आपके शोल्डर यानी कि शोल्डर डेल्ट और रियर को किस तरीके से आप ट्रेन कर सकते हैं अपने घर के अंदर। तो 4 एक्सरसाइजेस रहेंगी मेरी तरफ से इस वाले रूटीन में शोल्डर वर्कआउट के लिए, जो आप अपने घर के अंदर ट्रेन कर सकते हैं, और सारी की सारी बेसिक एक्सरसाइज रहेंगी। तो मिस मत करना, कोई भी मेरा भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और 2-3 चीज़ें हो रहा है कि भैया पिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्यारे वाले, वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें थोड़ी टी शर्ट्स दे दो या हमारे लिए फ्री वर्कआउट दे दो। भाई मैं कहाँ से दूंगा आप लोगों को। हाँ, ये है कि आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं कि भैया हम कौन सा फ्री वर्कआउट ले सकते हैं, तो आप, मैं लेता हूँ C4 का, आप वो ऑर्डर कर सकते हो, थोड़ा सा महंगा है बट कर सकते हो। और रही टी शर्ट्स की, जो 3 टी शर्ट्स आई थी मेरे लिए, वो मैंने ऑलरेडी उनमें से 2 टी शर्ट्स भेज दी हैं जो लोगों के पास, जो लोगों का मेरे को आया था पिंग। तो चलो, नेक्स्ट टाइम कुछ भी आएगा तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली मैं ये सब चीज़ें लेकर आऊँगा और सबके लिए सेंड भी करूँगा। तो चलो, वर्कआउट जाने से पहले, अपना मेन वर्कआउट करने से पहले अपना वार्म अप ज़रूर करें। शोल्डर का रहेगा आज का, करेंगे हम अपना इंक्लाइन बेंच पे डंबल से। चलो, डिफरेंट रहेगा बहुत, चलो एक्सरसाइज रहेगी, करेंगे हम इसको किस तरीके से वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास बेंच है तो बेंच को इंक्लाइन पोजीशन पे सेटअप कर लें, बेंच नहीं है तो आप सिंपल इस तरीके से बैंड होके भी कर सकते हैं, पर बेंच है तो बेंच पे करें ताकि आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आए और आप कंफर्टेबल होके ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएँ। तो चलो, आपके रियर डेट के यानी कि जो पीछे वाला जो ट्रैप रहेगा, इसको ट्रेन करेंगे किस तरीके से रहेगा, रेंज ऑफ मोशन वो करके दिखाऊंगा। वेट मैंने 7.5 से लिया है, आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखना और स्ट्रेंथ के साथ साथ अपना बैलेंस भी ज़रूर बना के रखना ताकि अच्छे से आपको पैक्ट आए। तो चलो, सिंपल पैरों की ग्रिपिंग रखी, यहाँ पर रखना है और एक हाथ को यहाँ पर रखें, सिंपल दूसरे हाथ से ही करना है, ये इस तरीके से हिट करना है, ये इस तरीके से। आप देखोगे ये रियर वाला जो मेरे बैक वाला जो ट्रैप का जो साइज है, वो बहुत अच्छे से हिट आएगा इस पे। यहाँ पे देखो, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, सेम इस हाथ से भी करना है और कोशिश करना कि पैरों की ग्रिपिंग अच्छे से रखनी है। इंक्लाइन पोजीशन पे रख रहा हूँ, बट इसकी अगर देखोगे इंक्लाइन वाली जो पोजीशन है, ये 40 डिग्री पे ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 35 डिग्री पे होगा, क्योंकि अगर 90 पे करोगे तो चेस्ट इस तरीके से हो जाएगी, फिर वो बैक पे आएगा, तो वो नहीं करेंगे। ज़्यादा इंक्लाइन वाली पोजिशन को इस तरीके से नहीं रखेंगे, स्लोप में ऐसे रखेंगे। चलो, आई होप कि आपको पसंद आए। 3 सेट लेने हैं, पर सेट पे एटलीस्ट आपको 12 रेपिटेशन लेने हैं। अगर लीनिंग चाहिए, कटिंग चाहिए तो लाइट वेट से रखें और रेपिटेशंस ज़्यादा रखने हैं। तो चलो, चलते अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे। गाइस, अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी, लाइट वेट से करेंगे, साइड लेटरल को ट्रेन करेंगे अपने फ्रंट हेड वाले को, ताकि ये अच्छे से आपको ग्रो कर पाओ और इसकी जो विड्थ रहेगी यानी कि जो चौड़ाई रहेगी, बहुत अच्छे से आएगी। करके देखना, लाइट वेट पर इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्ट्रेंथ नहीं होती है, जो भी बिगनर होते हैं, तो उन लोगों को अगर हैवी वेट पर करके दिखाएंगे, पोजीशन उनकी बन नहीं पाएगी तो उनको चोट लग सकती है उनके लोअर बैक पे। तो उससे अच्छा है लाइट वेट पे करके दिखाऊं, ताकि आप लोग अच्छे से वो चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ और सेम पैटर्न को फॉलो कर पाएँ। तो फॉलो, और जो चीज़ें दिखानी है वो आपको इतनी एक्यूरेटली दिखानी है, सिंपल दिखानी है, रॉ दिखानी है, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। तो चलो, वेट मैंने 5 और 5 दोनों हाथों पर लिया हुआ है, साइड लेटरल को करेंगे, ये इस तरीके से हाथों को आगे रखना है इस तरीके से, और आगे की तरफ थ्रो करना है, सिंपल। धीरे धीरे यहां पे होल्ड एंड स्क्वीज, होल्ड एंड स्क्वीज, होल्ड एंड स्क्वीज, होल्ड एंड स्क्वीज,
होल्ड एंड स्क्वीज, इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज करनी है, नीज पे करनी है। नीज पे इसलिए बोल रहा हूँ, खड़े होके ज़्यादातर लोगों को वो पोजीशन नहीं बन पाती है और उनके बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये वाली एक्सरसाइज बताई है कि आप नीज पे रहें, या फिर अगर आप दीवार से लगकर भी ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज है, करके देखना, आपका जो ये वाला पोर्शन है ना मस्त तरीके से आएगा। चलो चलते हैं, दूसरी एक्सरसाइज भी इसी के लिए बताऊंगा। चलो तो गाइज, अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज रहेगी, बेस्ट एक्सरसाइज है आपके ब्रॉडनेस लाने के लिए, आपके फ्रंट हेड को ट्रेन करने के लिए। बहुत अच्छे से ये वाला जो होगा ना, ये निकल के बाहर आएगा, शोल्डर आपके बहुत ब्रॉड होंगे। जो मेरा भाई ये बोलता है कि भैया हम घर के अंदर करते हैं बट हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अब वो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे अगर आप लोग अच्छे से वो टेक्निक में नहीं आएंगे, तो वो टेक्निक लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और वो टेक्निक देने के लिए मैं ही वही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो पूरा पैकेज मिले जिससे कि आप लोग डेवलप कर पाए। तो चलो, वेट इस पे मैंने हैवी लिया है, डंबल आर्नोल्ड प्रेस करेंगे, तीन पॉइंट्स रहेंगे इसमें, तीन से चार स्टेप्स रहेंगे, वो करके दिखाऊंगा। और इस तरीके से पकड़ना है, सिंपल यहां पे रखना है, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब आपने देखा होगा, अब जब मैंने ये वेट लिया है, ये है थोड़ा सा हैवी, पोजीशन कुछ ले नहीं रखी है पीछे से, नीज पे हूं, तो आप कोशिश करें कि दीवार से लग के करें। मैंने इससे अटैच किया हुआ है ताकि आप लोगों को बता पाऊं कि इस पे सपोर्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही मैं नीचे लेकर आऊंगा, इस तरीके से रखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब मैं यहां लेकर आया, जैसे ही फर्स्ट स्टेप लिया, तो ये वाला जो पीछे का, ये और ये इंगेज हुआ। फिर मैंने हिट करा तो मेरा ये वाला पार्ट इंगेज हुआ। अब जैसे ही मैं नीचे लेकर आया, ये वाला एंड देन पीछे वाला, यानी कि इसमें चार स्टेप्स हैं और चार स्टेप्स में आपका फ्रंट, बैक, साइड एंड अपर वाला, चारों शोल्डर्स की जो मसल हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी इस वाली एक्सरसाइज पे। तो चलो, तीन सेट लेने हैं, कोशिश करना अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना वेट रखें जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें। 3 सेट में 12-12 रेपिटेशन लेने। चलते हैं अपनी लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज पे। चलो, अपनी जो लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी, बेस्ट वेरिएशन बताऊंगा आपके ट्रैप्स के लिए, जिसमें आपके जो ट्रैप्स होंगे, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा निकल कर आएगा, शाइन मारेगा। बट उससे पहले, जो मेरे भाई बिगनर्स होते हैं, जिम के अंदर जाते हैं या जिम के बाहर, यानी कि अपने घर के अंदर भी करते हैं, वो मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक करते हैं अपने वर्कआउट को करते वक्त, वो ये करते हैं कि ध्यान नहीं रखते हैं अपने डंबल का, अपने वेट का, किस तरीके से उनको एडजस्ट करें परफॉर्मेंस करते टाइम। तो चलो, कोई भी मेरा भाई अगर कर रहा है जिम के अंदर अभी इसी वक्त, करते हुए देख रहा है मेरी वीडियो, मेरी बातों को सुन रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप अपना प्लेट पे रखें तो लॉक जरूर लगाएं, ताकि आपका एक साइड का वेट नीचे ना जाए, किसी के पैर पे ना गिरे या किसी को चोट ना लगे, क्योंकि मुझे खुद लगी हुई है मेरी ये वाली फिंगर पे, बहुत बुरी चोट लगती है जिम की भाई साहब। तो चलो, ट्रैप्स के लिए करेंगे बैक वाले, और वेट लिया मैंने 5 और 5 10 का, किस तरीके से करेंगे वो बताता हूँ अब आप लोगों को। चलो, सिंपल है, यहाँ पे बैठ गए आप, बेंच नहीं है, फर्श पे बैठ जाओ, नीज पे, मजा आएगा करने में। और इस तरीके से लेकर आए, बैक पे रखा, फुल रेंज में रखना है, फुल वाइड, कलाई एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये डाउन डाउन डाउन, ये इस तरीके से पूरा डाउन जाना है, और ईयर तक रख लेकर आना है अपने वेट को, एंड हिट, 1 2 3 and 4, ये हिट, 1 2 3 and 4, ये हिट, 1 2 3 and 4, ये हिट, ब्रीथ इन ब्रीथ इन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ इन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, पूरा रेंज तक लेकर जाना है नीचे तक, ताकि आपका जो ये वाला है, ये जो ट्रैप है, पूरा रेंज में जाए, पूरा स्ट्रेच हो और लोड आए अच्छे से, पता लगे मसल को कि यस तुम्हें पेला जा रहा है, तभी आपकी जो मसल होगी वो ग्रो होगी,
तभी आपको लोड लेना आएगा, एनालाइज करोगे, वो पेन को झेलना सीखोगे, तभी वो बैलेंस बनेगा बॉडी के बनते टाइम। तो चलो, आई होप कि जो ये चार एक्सरसाइज बताई हैं, फ्रंट, रियर, डेल्ट और ये अपर वाले के लिए पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो आएगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आप फ़ायदा उठा पाएँ अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस का, अच्छी अच्छी वेरिएशंस का, जो भी मैं आप लोगों को मोटिवेशन देता हूँ। आई होप कि आपको बहुत पसंद आती है तभी आप लोग इतना कमेंट करते हो। तो चलो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, ऐसे ही सब्सक्राइब करो, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोगों के लिए और ढेर सारी कंटेंट मैं लेकर आऊँगा। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के साथ, बहुत सारी वेरिएशंस के साथ और ढेर सारी मोटिवेशन के साथ, जिसमें आप लोग अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें। चलो, टेक केयर, बाय बाय।